जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह, तुहाडा स्वागत करदा टू द पॉइंट। शराब ते पंजाब विच सियासत पक्की हुई है। इस सियासत पक्की दे विचाले शराब दे कुछ ठेकेदार है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं। सरकार कहती है कि लोगों की मांग सी तो लोग खुश नजर आ रहे हैं, पर इन्हां विचों कुछ लोग अजिहे भी है जिहड़े कहिंदे सानूं तां इस तों पहलां ही शराब मिलदी पई सी, सानूं ठेके खुल्लण दा कोई मतलब नहीं। वो लोग किहड़े है, किहड़े ठेकेदार नाराज है, सारे सवाल होण सब दे विचाले। श्री अकाल तख्त साहब ते जथेदार उन्हां दा बयान हुंदा कि ठेके नहीं खोलने चाहिए सके। सारे सवालों पर सवाल जवाब लैन की कोशिश करा कि सवाल एक ही पूछा गए, पंजाब विच ठेकियां ते क्यों खड़की। वड़ा सवाल एक पूछा जाएगा इस चर्चा के, वड़ा सवाल यह पूछा कि कोरोना नाल लड़दे पंजाब शराब तो सियासत की हासिल करना चाहती है। इस सवाल से चर्चा करा कि पैनल साडा मौजूद हैगा, उन्हां दा तारुफ करा रहे हैं दो खास मेहमान ने, हरदीप सिंह किंगरा कांग्रेस के बहुत ही सीनियर आगू तो प्रशासकीय पद्धर से भी बड़ा लंबा तजर्बा इन्हों का, चोणा भी लड़ चुके हैं। हरदीप सिंह किंगरा तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। विरसा सिंह बलटोआ सबका पार्लीमानी सकत्तर, विरसा सिंह बलटोआ हरा का जे धर्म तो लैके सियासत तक इन्हों का बड़ा लंबा तजर्बा है, इन्हों पूरी समझ हैगी है कि शराब के ठेकों पर किहो जी सियासत हो रही है, इस करके इन्हों सद्या। बटोआ साहब सर तुहाडा भी बहुत स्वागत है। बहुत मेहरबानी मेरे वालों तुहानू ते तुहाडे सारे श्रोतियां नू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाडी फतेह परवान है बलटोआ साहब। किंगरा साहब सब तो पहला सवाल तुहानू करना चाहूंगा, किंगरा साहब ये शराब ते इन्नी सियासत क्यों तपी हुई है, सरकार की चाहती है ते विरोधी धिर की चाहती है, असल विच कहानी है की है? केपी मैनू थोड़ा जिहा टाइम दिओ, इह ते गल लंबी करन वाली है। देखो करोना नू केंद्र सरकार ने डिजास्टर डिकलेयर कीता है, पर करोना का जिहड़ा डिजास्टर है ये बाकी डिजा 100 करोड़ कहिंदे हर महीने असीं तुहानूं दिंदे आ, जिहड़ा करोना का डिजास्टर है बाकी डिजास्टर नालों बड़ा वक्खरा हैगा। क्योंकि जे बाकी डिजास्टर कोई फ्लड आ जाए या कोई भूचाल आ जाए या कोई होर प्रकोपी हो जाए, अग लग जाए, उहदे नाल नुकसान उत्थे ही हुंदा जिथे उह आउंदा हैगा, ते ना तो वह फैक्ट्रियां बंद होंदियां, ना वह दुकाना बंद होंदियां, ना वह जमीनां दी रजिस्ट्रियां बंद होंदियां, ना उन्हां किराए बंद होंदे आ, कोई चीज़ इहो जिही नहीं हुंदी। जबकि करोना के डिजास्टर के सरकार की आमदन के हर साधन बंद हो चुके हैं, केंद्र सरकार भी इतों तक कि केंद्र सरकार का भी जिहड़ा वह भी कहना है कि सारे जिहड़े आमदन के साधन है बंद हो चुके हैं। दिल्ली सरकार कहती साडा 130 करोड़ ही जिहड़ा हैगा वह रेवन्यू आया है एक महीने के, जे दिल्ली का 130 करोड़ है तो पंजाब का तो मेरे ख्याल 100 करोड़ भी नहीं, मेरे को फिगर है नहीं गी। इस करके जदों सरकार दे विच बिल्कुल पंजाब सरकार दा जिहड़ा खजाना है, पहला भी साडी कोई चंगी हालत नहीं सी माली, हुण तां बहुत माड़ी माली हालत हो गई है। तो दूजी गल यह है कि करोना ने इत्थे रहना ही रहना है, हले साल डेढ़ साल यह प्रकोपी तुरदी रहनी है, कदे वधूगी कदे घटूगी, कदे वधूगी कदे घटूगी, ते पंजाब दे लोकां नूं ते दुनिया के सारे जनता नूं इस दे नाल रहना सीखना पऊगा। तुसीं ये नहीं कह सकते भी डेढ़ साल असीं कुछ नहीं करांगे, तुसीं ये नहीं कह सकते कि डेढ़ साल असीं पार्लीमेंट का सैशन नहीं करांगे, तुहानूं पार्लीमेंट के सैशन के तौर तरीके बदलने पैणगे। उस तरह बाजारीकरण के जिन्नियां भी छोटियां दुकानां है, चाहे वह राशन दियां दुकानां है, चाहे छोटियां वह शराब दियां दुकानां है, चाहे वह छोटियां दवाइयां दियां दुकानां है, चाहे वह छोटियां नाई दियां दुकानां है, चाहे वह छोटियां कासे दियां दुकानां है, तुहानूं किसी ना किसी तरीके नाल वह व्यापार सारा खोलना पवेगा, क्योंकि तुसीं डेढ़ साल किसी व्यापार नूं बंद नहीं कर सकते। हुण आई गल शराब की, शराब अपने अपने आप च एक कोई एडी गल नहीं है, कट्ठ की गल है मेन, तो शराब दी दुकानां बंद क्यों हुई, क्योंकि कट्ठ ना होवे, कट्ठ जिहड़ा उह कितें भी हो सकता है, कट्ठ तो राशन की दुकान पर भी हो सकता है, कट्ठ दवाइया की दुकान पर भी हो सकता है, कट्ठ धार्मिक स्थानों पर भी हो सकता है, कट्ठ विआहां च भी हो सकता है, कट्ठ मरगां ते भी हो सकता है, कट्ठ जिहड़ा कितें भी होवे उह माड़ा है। तो जे तुसीं कट्ठ नूं रोक सकते हो शराब दी दुकानां ते, तो फिर शराब दी दुकानां खुल्लण दे विच कोई आपत्ति नहीं है, जे नॉर्मल हालात दे विच भी उह दुकानां खुल्दियां, क्योंकि अपनी किहड़ा स्टेट कोई ड्राई है, साडा एक रेवेन्यू का साधन है यह। सो जे हालात इन्ने क ठीक हो गए ने, हालात देखो करोना उत्थे खड़ी है जिते सीगी, हालात दे विच ठीक की होया के पी, हालात दे विच ए ठीक होया कि लोगों 40-42 दिनों दे विच एक खास तरीके दे नाल रहना आ गया। किंगरा साहब तुसीं बहुत लंबी चौड़ी गल कर ली हुण, किंगरा साहब कैप्टन साहब कहिंदे 88% माली घाटा पिया अप्रैल महीने दे विच पंजाब नूं, किंगरा साहब शराब तो बिना सरकार नहीं चल सकती? देखो नहीं, सरकार दे 3-4 साधन होंदे आ आमदन दे, एक तां केंद्र सरकार तो पैसा आउंदा जिहड़ा वित्त कमिशन तों आउंदा, दूजा GST का हिस्सा आउंदा केंद्र सरकार तों,
तीजा पांच साल सानू जिहड़ा उह केंद्र सरकार तो जी एस टी की जिहड़ी है वह भरपाई करनी जे साडा घट हुंदी है। चौथा साडा जमीना दे ठेकियां तो आउंदा है। पंजवां साडा जमीना जिहड़ियां रजिस्ट्रियां हुंदियां गियां रेवन्यू जिहड़ी स्टैंप ड्यूटी है। पंजवां साडा जिहड़ा सरकार दे होर किते किराए किरूए आउंदे उत्थों आउंदा। एक छेवां जिहड़ा हैगा उह एक्साइज तो भी आउंदा हैगा और शराब दे उत्ते ते पेट्रोलियम दे उत्ते जी एस टी है नहीं गा। इस करके सीधे का सीधा जिहड़ा मालिया है शराब दे उत्ते ते पेट्रोलियम दे उत्ते इह दोन्ने मालिए जिहड़े है उह सूबे दी सरकार नूं आउंदे है पंजाब दी नूं। इह दो ही साडे कोले साधन है। लोगों की आवाजाई बंद है पेट्रोल विकदा नहीं। दुनिया दे विच पेट्रोल सस्ता हो गया केंद्र ने उहदी ड्यूटी वधा दी और ड्यूटी वधा के तुसीं वी सर वैट वधाया है। तुसीं आपदी गल क्यों नहीं करदे हमेशा केंद्र दे पाए ने तुसीं। केंद्र ने एक्साइज वधाई है सर तुसीं वैट वधाया ना फिर सानू तो समय वैट जे केंद्र ने आपकी ड्यूटी प्राइस दे विच सबस्यूम करा ली है और सानू आपका वैट सबस्यूम करा देंगे। केंद्र केंद्र को आमदन के होर भी साधन है। किंगरा साहब असं हनेरे च रखते हैं हमेशा हमेशा असं लोगों ने हनेरे च रखते हैं भी केंद्र वधा रहा सूबा सरकार तो कुछ कर ही नहीं चुप चाप तुसीं विच कुंडी ला दें। थोड़ी जी कैलकुलेशन है। देखो केंद्र सरकार ने ए ड्यूटी वधा दी जे केंद्र सरकार ड्यूटी ना वधाउंदी भा इत्थे ही रख दे ते जिहड़ा उन्हां दा कंपनियां दा जिहड़ा उह जिहड़ा आमदन है वह घट जाती लाभ उन्हां दा ते उही लाभ जिहड़ा स्टेटां नूं पास हो जांदा स्टेटां आपदी वधा दिंदियां। उहदी किंगरा साहब कैलकुलेशन तुसीं समझदे हो मैनूं समझाउण दी जरूरत नहीं तुसीं बहुत स्याणे बणे हो। बटवा साहब ठीक है सर किंगरा साहब आऊंगा वापस आऊंगा तुहानूं बहुत लंबा टाइम दित्ता मैं तुसीं कहा सी मैनूं गल करनी चाहीदी गल करन दो पूरी। बटवा साहब सवाल यह है बटवा साहब तुसीं क्यों विरोध कर रहे हो। देखो केपी जी सब तो पहली गल है कि इस वे समुची दुनिया करोना महामारी ने लड़ाई लड़ रही है और करोना के विरुद्ध लड़द्या होया ही समुचा हिंदुस्तान इस वे लॉकडाउन है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के अंदर करफ्यू इंपोज किया और सारे ने वेलकम किया भावें लोग दुखी भी होए परेशान भी होए मजबूर भी होए पर इस गल के बावजूद इस गल नूं समझ के ये सब कुछ साढ़े भले वास्ते है। जी करोना महामारी आई है वो विरुद्ध सरकार ने एक स्टैप चुकया है चंगी गल है वेलकम किया सारिया पार्टियां ने किया असं भी किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने वधिया कदम चुकया है पर की करोना के विरुद्ध लड़ाई केवल तो केवल करफ्यू वधा दो डेट च वाधा कर दौ लॉकडाउन वधा दौ यही लड़ाई अज ठेके इस करके कैप्टन सरकार खोलना चाहती है कि साढ़े को रेवन्यू घट गया सानू रेवन्यू की लड़ है कि लोगों की जिंदगी की लड़ नहीं कि जीवन जरूरी है जिंदगी जरूरी है जां रेवन्यू जरूरी है जां पैसा जरूरी है। पहले सब तो पहले तो गल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये दस देना है सत्कार जो किंगरा साहब ने गल की है कि हुण जिहड़ा आस्ता आस्ता जिहड़ा आ वो दुकाना भी खुलन गिया चाहे वह किसी तरह की दुकान है चाहे किसी तरह के कारोबार है जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर पहला जिहड़ा करोना का केस आया है उस तो बाद आस्ता आस्ता गिनती वधी है ते अज कित्थों तक चली गई है पंजाब ही अज 1600 क्रॉस कर गया है ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहिंदे ने जां जिहड़े इस मुतलक ज्यादा जानकारी रखते हैं वह कहिंदे कि जिहड़ी मई एंड होगा वह पीक होगा कोई मई कही जांदा कोई जून कही जांदा कोई जुलाई कही जांदा आ पर जिस तरीके नाल वध रिहा है ते हरेक नूं मतलब धुड़कू लगा है कि यह किस पासे नूं गल जा रही है करोना वध रहा है महामारी वध रही है किंगरा साहब ते इहनां दी सरकार कहिंदी कि नहीं असीं दुकानां खोलांगे जी असीं ते जिहड़े सॉरी ठेके खोलांगे जी ते ठेके खोलणे किन्नी क मजबूरी है। सब तो पहली तो गल है कि जिहड़ा रेवन्यू है जिहड़ा पिछले साल दा इहनां दा रेवन्यू है एक्साइज का ठेकियां का शराब का वह 5152 करोड़ है तो जे मंथली आप ला लीए तो 400 करोड़ के लगभग इस कुछ रावणी घाटा है पर दूसरे बने खर्चे भी किड़े रह गए हैं खर्चे बिल्कुल खत्म ने सवाए तनखाह तो सवाए पेंशन तो जी करोना महामारी के विरुद्ध जो साजो समान देना किटा देनी है ग्लव्ज देने ने उही रह गया होर तो कोई खर्चा भी कोई नहीं रह गया किसी तरह की कोई डिवेलपमेंट नहीं चल रही किसी तरह का कोई खर्चा नहीं रह गया जो खर्चा ही नहीं रह गया तो पंजाब सरकार इस पैसे को कमाउण वास्ते क्यों दौड़ लाई हुई है लोगों की जिंदगी क्यों दाव ते ला रहे हैं और दूसरी गल जी सब तो वड्डी गल है कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब मैं आ रहा सर जथेदार साहब के बयान से आऊँगा मैं एक छोटा जहा ब्रेक लेना बल्टवा साहब रह जूगी गल तुहाडी एक छोटा जहा ब्रेक लवेंगे ब्रेक तो वापस आवेंगे जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के बयान का जिक्र कर रहे बल्टवा साहब सवाल एक ही पूछा जाएगा कि इन्हों के वेले
की हुंदा सी शराब के मामले में ते हुण की हो रहा करोना महामारी की वजह करके सारी सियासत हो रही है ज इस सियासत के पिछे परदे पिछे कुछ होर चल रहा। ब्रेक तो वापस आ गए सारे सवाल होणगे। असीं सवाल यह पूछ रहे सी करोना नाल लड़दे पंजाब विच शराब तो सियासत की हासिल करना चाहती है। बटोल साहब अपनी गल पूरी करो, तुसीं जज्जा साहब के बयान का जिक्र कर रहे थे। देखो सब तो पहली गल है कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब पहले अकालिया के जथेदार नहीं, उस समुची सिख कौम के जथेदार ने और उस सुप्रीम सीट पर बैठे ने जिथों समुची मनुखता सीध दी जाती है और सिख कौम सीध दी जाती है और लोगों के भले की गल की जाती है, धर्म की गल की जाती है। तो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने भी इस गल से चिंता प्रगटाई है कि शराब के नाल तुसी जिहड़ा इस पासे तुर पे जे इहदे नाल लोग अगे घरां दे अंदर बंद ने ते परेशान ने, एक टेंशन दे विच ने, ते जे घरां च शराब आ गई उहदे नाल घरेलू हिंसा वधेगी। जिहड़ियां औरतां ने जिहड़े बच्चे ने जिहड़े शराबी लोग ने उहनां दे उत्ते हिंसा करनगे, ते इहदे च कोई ड्रामा वी नहीं गिआ कि आ लॉकडाउन के दौरान जां करफ्यू के दौरान जिहड़े शराबी प्रवृत्ति दे लोग आ आम करके जो घरेलू हिंसा के केस ने उन्होंने गिनती के वाधा भी होया। बलटोआ साहब बलटोआ साहब ठीक तुम कह रहे हो घरेलू हिंसा के मामले में वाधा होया, डी जी पी साहब ने खुद ही गल कही है। बलटोआ साहब तुम्हें लगता कि करफ्यू दौरान पंजाब के घर शराब नहीं पहुंची? नहीं नहीं मैं तो कहना नहीं पहुंची, लोगों ने पहलों भी प्रबंध कर लिया, लोगों को पहुंच रही है। जे 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 किंगरा साहब ने इन्हों के जे संगी साथी ने कांग्रेस से पहलों ही जिहड़ा होम डिलीवरी वाला काम कर रही है दो नंबर की शराब जुड़ी है, दो नंबर इन्होंने ठेके से विके नहीं बहुत घट दी है पहलों भी जो करफ्यू नहीं लगा जो लॉकडाउन नहीं लगा और कांग्रसी आगू साहबान ने समुचे पंजाब के अंदर दो नंबर शराब का कारोबार किया कर रहे हैं, हूं तक कर रहे हैं। आ खन्ना जी फैक्टरी फड़ी गई है वह कि फैक्टरी सी उस कौन कौन इनवाल्व सी किप जी तुम तो ज्यादा पता होना, तुम इनवैसटीगेटर भी जे। इस करके जरा खन्ना के जेडे लोगों की फैक्टरी फड़ी गई जिन्हों का तो नाम भी लिया अज वो बहस से आवगे, किंगरा साहब का मेरे को तो जिक्र नहीं किया, वो सज्जन से आए नहीं, जे आते तो मैं उन्होंने पूछता भी खन्ने वाली फैक्टरी का की किया जाए की बनूगा भी खन्ना फैक्टरी के नजायज शराब बना के पंजाब में सप्लाई कर रहे जे। इतों तक भी रिपोर्टा ने कि जेडे राणा गुरजीत सिंह ने उन्होंने फैक्टरी जी लौका फैक्टरी है जिहड़ी चड्डा डिस्टिलरी है उहदे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच दो नंबर च नजायज शराब जिहड़ी आ गेट तो बाहर आउंदी है और उहदी कमाई जिहड़ी आ उपर तक जांदी है, उपर तक इत्थों तक जांदी है। वह मैं हुण जना लूंगा तो वह चीकां वजन वाली गल हो जानी है, आम है ओपनली है और कांग्रसी कहिंदे है, मैं नहीं कहिंदा, कांग्रसी कहिंदे है कि जिहड़े बीबी अरूसा आलम है उहने बकायदा हिस्सापति रखी हुई है पेटी दे पिछे। तुहाडे कोल सबूत हैगा बलटोआ साहब? हाँ जी सबूत है तुहाडे कोल इस गल दा? जे सबूत है तो सर सामने रखो, अभी चाहते हर बंदे नाम नशर होना चाहिए पर सबूत दे नाल गल करो बलटोआ साहब, तुहाडे कोल सबूत है अगर रखो मैं वेलकम करूंगा सर। मेरी बेनती है जी सबूत इहदा कदा होगा जी, किस गल का सबूत होगा? नजायज शराब विकदी कि नहीं विकदी? जे लोगों को पूरे डेढ़ महीने के घर चो शराब खत्म नहीं हुई जो पीने वाले ने वो कितों आई है, कितों आउंदी है, की जो ठेके है सरकारी खजाने च घाटा पैन लग पिया सीगा, वो मालिया जिहड़ा सरकारी खजाने विच दर्ज नहीं हो रहा सीगा, ये सवाल है जां कोई होर सवाल है? केपी मैं इस महामारी के मौके एड्डी वड्डी एमरजेंसी के मौके मैं बलटोआ साहब नूं इक बेनती करांगा कि किसी इशू नूं पोलिटिसाइज़ ना करन, नहीं तां मैं तुहानूं इह दसणा थोड़ा जिहा तां मैं दस ही देवां कि जिहड़ा पंजाब दा सब तो वड्डा शराब दा ठेकेदार है मेरे शहर दा ही रहण वाला है, उहदियां जिन्नियां भी डिस्टिलरियां है गोइंदवाल जिथे भी साडे धार्मिक स्थान है उन्हां दे नेड़े नेड़े जिहड़ियां डिस्टिलरियां लवाईआं, गोइंदवाल लवाई है, तलवंडी साबो लवाई है, वह अकाली दल सरकार च लगी है, तो मैनूं लगदा अकाली दल सरकार दा नेता भी सी बहुत वड्डा ना, तां तुसीं सारे जाणदे ही उहदा। सो इस तुसीं हजे भी कह रहे हो सर सियासत ना करो, तुसीं हजे भी कह रहे हो, इहदा मतलब सियासी पुश्त बनाईआं सारिआं दीआं ना किंगरा साहब, इह सियासी मसला ना सारा शराब वाला? आपां सियासत ना करिए उहदा कारण यह है कि इस वेले स्टेट नूं पाई पाई की लोड़ है, जिहड़ी तुसीं कहिंदे हो दो नंबर की शराब विकदी है चाहे विकदा है उहदे वास्ते तां बटवा साहब जे तुसीं भी एडमिनिस्ट्रेशन करनी हुंदी जां मैं एडमिनिस्ट्रेटर होवां तां फिर तां मैं ठेके जरूर खोलांगा क्योंकि मैं जिहड़ा रेवन्यू लॉस हो रहा उह रेवन्यू आई शुड कलेक्टेड माईसेल्फ। यानी कि सरकार एक्सेप्ट करदी भी किंगरा साहब दो नंबर की शराब विकी है, घर का शराब गई सी? देखो देखो दो नंबर देखो कतल करना एक जुर्म है फिर भी कतल हुंदे है,
देखो के पी यू कांट हैव ए क्राइमलेस सोसाइटी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਰੱਗਸ ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ। ਠੇਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। मैं कहना जे तुसी तुहाडी गल नाल मैं सहमत हुन्ना दो मिनट वास्ते जिहड़ी तुसी गल करदे हो, फिर तां ज्यादा जरूरी सी ठेके खोलने, क्योंकि फिर रेवन्यू लॉस जिहड़ा कुछ तां घटे, जिहड़े दो नंबर जारी घट्टो घट्ट एक नंबर से जावे, जदों लोकां नूं खुल्ला मिलन लग गई फिर लोकी क्यों लैणगे दो नंबर। यानी कि किंगरा साहब असीं इह मान लईए कि तुसीं जिहड़ी गल कही सी कि नशे दा लक तोड़ के रख देंगे, सरकार दा लक टुट चुक्या। के पी देखो शराब सरकार रेवन्यू इकट्ठा करदी है सारी दुनिया च, दो तीन स्टेटां नूं छड्ड के, गुजरात नूं छड्ड के। इस करके शराब नूं तुसीं इह नहीं कह सकते कि तुसीं उहनां नशियां नाल जिन्हां दा लक तोड़ना हैगा। शराब तां सरकार आप ऑक्शन करदी है, अकाली दल भी करदा रहा, जदों अकाली दल दी पूरी सरकार जो भी करदी रही असीं। किंगरा साहब जे तुसीं इह एक्सेप्ट करदे पए हो, एक मिनट किंगरा साहब सुन लो, सवाल सुन लो सर, जे तुसीं इह एक्सेप्ट करदे पए हो कि दो नंबर दा धंधा चलदा रहा होगा, तो तुसीं इह भी एक्सेप्ट कर लोगे फिर कि ड्रग वाला कारोबार वह भी रुकिया नहीं गा, उहदा भी लक नहीं टुटिया गा, जे तुसीं इहनूं लीगल मानदे पए हो, ते नाल तुसी, नाल तुसी जिहड़े दावे करदे हो कि साडे कोले लख लख बंदा लख नौजवान आ गया साडे कोल ड्रग एडिक्शन वास्ते। नहीं देखो के पी, जिहड़ी ड्रग्स है वह ना तो सरकार बनाउंदी है, ना सरकार उहदे ठेके दिंदी है, ना सरकार उहदे लाइसेंस दिंदी है। शराब नूं ते ड्रग्स नूं जिहड़ी सबस्टेंस अब्यूज है, इन्हां दोनों नूं तुसी कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही करो तुसी। एप्पल्स नूं एप्पल्स नाल कंपेयर करो। मैं तो सर सप्लाई दी गल कर रहा, सर सप्लाई चेन दी गल कर रहा। किंगरा साहब जे करफ्यू दो नंबर की शराब नहीं रोक सकता, इहदा मतलब ड्रग सप्लाई नूं भी रोकिया नहीं जा सकता। देखो ड्रग सप्लाई कोई होर चीज है टोटली, शराब सरकार दा आमदनी दा एक साधन है, सारियां सरकारां दा है। जिथे जिथे साधा संतां दी सरकार है उत्थे भी शराब दे ठेके खुले है, जिथे साधा संतां दी सरकार है भगवें कपड़े पाउण वालियां दी उत्थे भी ठेके खुले है। उस पार्टी दे भाईवाल है बलटोआ साहब हुरी, इस करके शराब नूं दूजे नशे नाल कंपेयर ना करो। बलटोआ साहब ठीक है, बलटोआ साहब तुसीं फोकी राजनीति करदे पए, बलटोआ साहब तुसीं सिर्फ एक मुद्दे नूं भणाउणा चाहुंदे हो, होर कोई मंतव नहीं तुहाडा। जे तुसीं पंजाब दी जनता वास्ते वाकई सोचदे हो तो फिर शराब बारे कोई फैसला तुहाडी सरकारां वेले भी होने चाहिए सर। हाँ इत्थे गल करो, उदों क्यों फैक्ट्रियां लवाईआं डिस्ट्रीब्यूटरियां शराब दीआं? मैं किंगरा साहब आ रहा तुहाडे कोल, बलटोआ साहब प्लीज। देखो के पी जी, पहली तो गल है कि ना कोई असीं सियासत कर रहे हैं, असी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जिहड़े शुरुआती फैसले ने उन्होंने जिनी शलाघा करनी चाहिए सी कीती, और पंजाबियों ने भी कीती, और पंजाबियों ने साडे समेत सारियां दी आस एक रखी सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जे पंजाब दे अंदर करफ्यू लाया, लोगों नूं बचाउण दी कोशिश की, तो वाकई किसी नीति नाल किसी प्रोग्राम नाल कोई प्रबंध करके लोगों नूं कोरोना तों बचाउणगे। उस पासे तो किसी तरह का कोई कदम नहीं चुके जा रहे, लोग ताहां मारन रहे ने जिहड़े पॉजिटिव आ गए ने, जिन्हां नूं क्वारंटाइन किया गया है, जिन्हां नूं आइसोलेट किया गया है। भाई निर्मल सिंह खालसा जिहड़े हजूरी लागी सी उन्हां दी आडियो तुहाडे सामने, उस तों बाद कई दर्जना आडियो आ चुकियां ने, वीडियो आ चुकियां ने, उस पासे ते कोई कदम है नहीं, उस पासे ते खर्चा कोई है नहीं। हाँ सोनिया गांधी जी ने ऐलान कर दिता कि जिहड़े प्रवासी मजदूर ने वख वख स्टेटां च, उन्हां नूं उन्हां दी स्टेटां च पहुंचाया जाए, ते जे आ खर्च भी सरकार करे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 35 करोड़ रुपया जिहड़े प्रवासी मजदूर बिहार तो यूपी तो अदर स्टेट्स तो पंजाब चो गए ने, उन्हां नूं घर पहुंचाउण वास्ते 35 करोड़ रुपया खर्च कर दिता। इत्थे तो 35 करोड़ रुपया पूरी कोरोना महामारी ते नहीं लाया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। इस करके जिहड़ा आ कहिंदे कि सानूं पैसे पैसे की जरूरत आ, उह स्टेट का फर्ज बनता जिथों के मजदूर ने, जिथों के प्रवासी ने, जिथों के रहने वाले ने। हुण असीं हजूर साहब तो संगत लियांदी है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खर्चा किया है, उन्हों का फर्ज बनता सी। हुण 35 करोड़ रुपया तो तुसी सोनिया गांधी जी को खुश करने की खातर खर्च कर दे, अही नहीं कहते उन्हों का हक नहीं बनता, वो बेचारे हसे से उन्होंने करो कई पहुंचा जरूरी है। हुण दूसरी गल जी सब तो वड्डी गल है कि जेडे बेचारे कोरोना के पीड़ित आ गए, उन्होंने सांत्वना देने की लोड़ आ, उन्होंने हौसला देने की लोड़ आ, उन्होंने पलोसन की लोड़ आ, उन्होंने यह महसूस कराने की लड़ कि असं तुहाडा इलाज कर रहे हैं। वो कहते गोली तो सानू कोई देंदे नहीं, सानू पता नहीं गोली कोई नहीं बनी, पर फिर भी किसी ना किसी रूप से जापे कि साडा इलाज चल रहा है, सानू कोई दवाई दारू दिता जा रहा है। उस पास तो सरकार करदी नहीं। साहब तुसीं प्रवासी मजदूरों का जिक्र किया, बलटोआ साहब तुसीं ने रेल टिकटा फ्री करवा देंदे ना सेंटर नूं कह के, तुसीं करवा देंदे? देखो
देखो ना तो साडे पास सब कुछ हैगा आ। सोनिया गांधी ने भी सेंटर नूं अपील की सीगी जां सेंटर नूं क्या सीगा, सेंटर ने सेंटर सेंटर आप सेंटर ऐ समझदे जो सेंटर कोल उत्तों कोई मींह वरन दिया आ ते यार साडे नहीं पैण दिया, सिर्फ उत्थे दिल्ली दे विच पई जा रहा है, पंजाब च नहीं आ रहा। चलो आप वड्डा सवे मान लीए भी केंद्र सरकार ने पंजाब नाल कदे वितकरा नहीं कीता, कोरोना नूं भुल जाओ तुसीं, ये मान लीए इच कोई दुरावा नहीं गया कि असीं पंजाब दे मदई हैं, पंजाब दे नाल खड़ोते हैं, पंजाब वास्ते वध तो वध आना चाहिए है, पंजाब की बेहतरी वास्ते पंजाब जिहड़े हालातों चो लंघ रहा है, पंजाब जिहड़ी लड़ाई लड़ रहा है, सेंटर तो वध तो वध मंगना चाहिए है और जोर दे के मंगना चाहिए है, मंगण वाले चो असीं भी एक है। चलो ठीक है वड्डा साहब, इस सवाल तैयार है मैं छोटा ब्रेक लेना, ब्रेक तो वापस आवांगे। केंद्र सरकार कोलों की मदद मिलनी चाहिए है, केंद्र सरकार कोलों की होना चाहिए, सवाल इत्थे आ के रुक गया है। जे पंजाब में शराब के ठेके खोलने की मजबूरी सरकार दस रही है मालिया, तो सिर्फ मालिया की इतों ही आता है, शराब माफिया ज होर माफिया जड़े उन्होंने कंट्रोल करने की सरकार की जिम्मेवारी नहीं। ब्रेक तो वापस आके सारे सवाल होंगे जरूर। सवाल असं पुछे कोरोना लड़ते पंजाब शराब तो सियासत की हासिल करना चाहती है। किंगरा साहब तुम वार बार केंद्र से ठीकरा फोड़ी जाने हर चीज़ का भी केंद्र सानू आ दे आ दे, केंद्र सरकार कहती है भी असं जिनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं, मान ली थोड़ी गल केंद्र सरकार तो वो मदद नहीं मिली जिनी तुम्हें मिलनी चाहिए थी है, पर जो केंद्र सरकार ने तुम्हें राशन भेजा अज पासवान हर का ट्वीट पढ़ो सर, वो कह रहे हैं कि 1% तुम राशन मंडते पे हो, सर उनका की जवाब दोगे तुम, केंद्र सरकार जी मदद मिलती पी असं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। के पी बटोआ साहब नाल मैं थोड़ा जिहा सहमत हाँ, किसी वेले बटोआ साहब की जिहड़ी पोलीटिकल पार्टी है यह केंद्र तो बड़िया मंगा मंगती सी, यह केंद्र तो आटोनोमी मंगती सी चंद चंद सब चंद सबजैक्ट छड़ के, यह केंद्र तो चंडीगढ़ मंगती सी बहुत कुछ मंगती सी, जदों दे भाईवाल बने सब कुछ भुल गए, यह हुण केंद्र तो कुछ नहीं मंगते, यह तो यह कहिंदे भी केंद्र देवे ही ना, ताकि तुसीं इहनां नूं छड्डो ना, मेरे सवाल का जवाब दो। पासवान साहब केंद्रीय मंत्री है ट्वीट करके कह रहे हैं कि पंजाब सरकार राशन नहीं बनती पी 1% सर जे नहीं हैगा ट्वीट तो मैं भेज देना तुहानू। ये केंद्र सरकार नू पुछना चाहना कि एयरफोर्स के जहाज भेज के वुहान तो बंदे मंगवा ले, एयरफोर्स के जहाज भेज के ईरान तो बंदे मंगवा ले, वो तो गरीब मजदूर का किराया आप देन, वो ये कितों की सरकार का इंसाफ है। अमीर के जवाक जे वुहान च पढ़ते हैं, अमीर के जवाक जे चीन च पढ़ते हैं, ईरान च पढ़ते हैं, उन्होंने तो सरकारी जहाज जान एयरफोर्स के लैके आन, तो जोड़े गरीब बेचारे उन्होंने रेल का गड्डी का किराया, ये तो के पी के इन्हों समा तुम मैं ये दसो गरीबों को किराया दवा के बीबी हरसिमरत कौर बादल का की कट जाना सी, सिर्फ सियासत ही कर रहे हैं नाराज है कुछ थावां ते किंगरा साहब वो कहिंदे भी 4 to 6 घंटे ठेके खोलने का टाइम दे रहे हो, उस तो बाद होम डिलीवरी कह रहे हो, होम डिलीवरी कहिंदे वो साडे लई पॉसिबल नहीं हैगी, उहदे लई नजायज़ शराब की विक्री वधूगी, एक पॉइंट ये उन्होंने एक वो कह रहे हैं कि सेल पूरी नहीं हो रही साड़ी, तुसी फीस पूरी मांगते हो 14 घंटे ठेके खोलने की मांगते, COVID-19 तहत तो कोई नवी पॉलिसी बनानी चाहिए है, ये डिमांड है उन्होंने, सर उन्होंने की जवाब दोगे केंगरा साहब। देखो मैं डिटेल दे विच सरकार का आर्डर पढ़िया जिहड़ा ठेके खोलने के बारे है, ये ठेकेदार झूठ बोलते हैं, उस आर्डर के लिखे है कि ठेकेदारा का जिन्ना नुकसान होएगा इस दौरान जी सेल उन्होंने घटेगी या उन्होंने रेवन्यू लॉस होएगा वो कंपनसेट करने वास्ते सरकार दे मामला विचार अधीन है, तो सरकार उचित लोड़ींदा फैसला वो लवेगी, ये उस आर्डर के लिखा हुआ है। दूजी गल जी ठेकेदार बहुत सारे ठेकेदार मैं तुहानू दस दिना जिहड़े आर्डर तुसीं गल कर रहे हो सर, सुन लो किंगरा साहब सुन लो, वित्तीय साल 2019-20 के लिए लसंसियां दे करफ्यू लाकडाउन कारण होए वित्तीय नुकसान की भरपाई लिए मुद्दा सरकार दे विचार अधीन है, सर किंगरा साहब सुनने का मादा रखो, इसलिए जरूरी होगा कि इन्ह हदायतों की इन बिन पालना यकीनी बनाई जाए तो सारे लसंसियां भी इसकी सूचना दी जाए। किंगरा साहब मुद्दे तो सरकार के विचार अधीन वो भी है, जेडे घर घर रुजगार देना से असं घर घर शराब वंटी जा रहे हैं, वो किवें मानना थोड़ी गल सर। के पी ए लीगल मुद्दा है, दूजी गल मैं दसा ठेकेदार क्यों रौला पा रहे हैं, ये एक होर लाइन लिखी है, वो कहते भी जेडे ठेकेदार का स्टाक वेरीफाई नहीं होएगा वो आपकी शराब नहीं वेच सकता, वो ठेका नहीं खोल सकता, कई ने अंदर खाते वेचती वो सारे फसन गए हुण, इहदा मतलब सरकार ही मानदी पई है कि शराब माफिया जिंदा रहा करफ्यू दे विच ते शराब घर घर पहुंची है। किंगरा साहब खाते वेचते रहे हैं, कौन कहते नहीं वेचते, शराब माफिया जिंदा रहा ना, शराब माफिया काम करता रहा करफ्यू के दौरान। किंगरा साहब देखो माफिया नहीं काम करता, इक्के दुक्के ठेकेदारा ने काम किया होगा यह जरूर। बटवा साहब प्लीज देखो पहली तो गल है के पी जी
ज्यादातर ठेकेदार जो मैं कहना कि 95% ठेकेदार जिहड़े आ कांग्रसी ने, चाहे उन्होंने कोल एल वन आ चाहे वड्डे वड्डे जिहड़े ठेकेदार नहीं कि बटवा साहब कि दर्द ही तो नहीं विरोधी धिर है, बोलन दो बटवा साहब, बोलो प्लीज। जिहड़ी गल मैं पहलो कीती है कि लॉकडाउन के दौरान करफ्यू के दौरान जिहड़े पीण वाले लोग ने उन्हां तक शराब पहुंच दे रही है और ठेके जिहड़े ने खुलदे रहे ने किसी ना किसी रूप च, चाहे मगली खिड़की खुलदी होवे उत्थों सप्लाई लोगों नूं मिलदी रही है। मैं इत्थों तक मेरा कोई सज्जन मित्र है एक्स एमएलए है, मैं वह पींदा है, मैं उन्हें झेड़ की, मैं हुण कित्थों आउणी है, उन्हें दो पेटियां की फोटो खिंच के मैनूं पा दी, कहिंदा दो का प्रबंध अज ही कर लिया, दो पेटियां कला पीण वाला ते दो पेटियां उहदे घरे पहुंच गईआं। ते हुण ये तुसीं देखो कि वह जिहड़ी नजायज शराब विकदी रही है जां जिहड़ी दो नंबर च विकदी रही है वह तो रुकी नहीं, ठेके वालिआं नूं ते ठेके वालिआं नूं ते वाहवाही बजी पई सी कि जिहड़ी जिहड़ी शराब दा 300 रेट सी उह 900 रुपए दे रहे सीगे। इस करके जिहड़ा आ ठेकेदार वी हुण चीका मारनगे, सरकार नूं रेवेन्यू नहीं सी पजांदा पर कांग्रेसी आगू ने जेबां जिहड़ियां ने दो नंबर दी शराब दे रहे सी। तुहानूं तकलीफ की है बटवा साहब, आपदी तकलीफ तां क्लीयर कर दिओ ना मैनूं। तकलीफ यह है कि हुण पंजाब सरकार दे खजाने विच मालिया जाऊगा, यह तकलीफ है, जां तकलीफ यह हैगी है कि 95% ठेके कांग्रेसियां कोल है तुहाडे मुताबिक, मैनूं नहीं पता 95% है कि नहीं। देखो सब तो वड्डी गल तो यह है कि करोना महामारी इनक्रीज हो रही है, उस च वाधा हो रहा है, इस समय कोशिश करनी चाहिए है कि जेडे असी एक कदम चुक रहे हैं कि साडा रेवन्यू वधे, तुसी शरेआम जे ठेके खोल दोगे तो फिर जी आम जनता जिन्होंने जे जिन्होंने उस दिन का भेज करके बैठे ने चाहे मजबूरी वस करके बैठे ने वो भी आपकी जी तलब पूरी करने वास्ते ठेकों से पहुंचे या होम डिलीवरी कराने जिम्मे कह रहे होम डिलीवरी तो ना भी कर रहे हैं पर किसी ना किसी तरह वो लोग ठेकों तो शराब लैन गए, एक तो घरेलू हिंसा वधेगी, इस कोई दुरावान नहीं गिया। तो दूसरी जी गल है देखो दुख की गल इस वे लोगों दवा की लड़ है, मैडिसिन की लड़ है दवा की, किंगरा साहब की पार्टी या किंगरा साहब की सरकार कहती दवा नहीं दारू देवे शराब देवे, ये चाहिए थी दवा आ पर यह दारू दे रहे, दारू दूसरा नहीं यह रोग ना लड़न वाला दारू दे रहे शराब, वो शराब जिसे बारे गुरबाणी कहती है जित पीते मत बिसरे वरल पवे विच आए, जिदे पीत्या मनुख कमल कदाउंदा आ जिदे कीत्या उहदी मत दूर हुंदी है वह उस शराब की यह गल करते हैं। भावें कोई दरावा नहीं, अज वख वख सरकारां ने वख वख स्टेटां ने आपदा रेवन्यू का बहुत वड्डा जिहड़ा आ दारोमदार इहदे उत्ते डिपेंड किया होया आ, पर मैनूं इह गल दस दिन किंगरा साहब कि डीसी मुक्तसर ने जो हदायतां जारी कीतियां कि गुरद्वारा साहिबान ते मंदरां दे विचों जिहड़े स्पीकर ने उन्हां राहीं जिहड़े ग्रंथी सिंह ने ते पुजारी ने वह पिंडां दे विच जां अपने एरिए दे विच गुरद्वारा साहिबान के मंदिरों तो अनाउंसमेंट करेंगे कि सरकार ने होम डिलीवरी शुरू कर दी है कि लोगों तक सूचना पहुंचाएंगे, इस तक सरकार डिगी है कि गुरद्वारा की मत ठीक है। केंद्र साहब इनका जवाब तो बनता सरकार वालों, उन्होंने वापस ले ले ऑर्डर, ऑर्डर वापस ले ले, पर सर इस मामले के कताई कितने हुई है तो कार्रवाई की होगी? मैं इहदा जवाब दिना, देखो जी मैं इस गल दे नाल बिल्कुल सहमत नहीं हाँ, जे डिप्टी कमिश्नर मुक्तसर ने इहो जी हदायत दिती है तो डिप्टी कमिश्नर मुक्तसर के उत्ते एक्शन लेना चाहिए, उसकी बदली हुणे कर देनी चाहिए या उसनूं सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारे मंदिरां दे विच लिख के हुक्म कर देना कि तुसीं अनाउंस करो ठेकियां बारे, इस तो वड्डी गुनाहगारी कोई भी अफसर नहीं कर सकता। जे किसी डिप्टी कमिश्नर ने गुनाहगारी की है तो मैं आपकी सरकार अगे भी बेनती करदा कि उस डिप्टी कमिश्नर नूं घरे बाहो, वो डिजर्व नहीं करता करोना के मौके डिप्टी कमिश्नर रहना किसी जिले का, होर दसो मैं नहीं कहना भी देखो बटवाड़ा साहब जो किसी ने यह गल की है तो बहुत माड़ी गल की है, गुरुद्वार मंदिर से अनाउंस किया है किसी ने क्या लिख के दिता है कि तुम अनाउंस करो, ये बहुत माड़ी गल है, पर यह कुताई एग्जैक्टिव लैवल से हुई है ना कि सरकार के लैवल से, ठीक है ठीक है। एक होर छोटा जहा वक्फा लेना, वक्त तो वापस आवेंगे आखिरी हिस्से में अभी आवेंगे, आ रहे वापस आ रहे सर वापस आ रहे। शराब तो पंजाब ये दोनों कट्ठे क्यों चलते हैं, इस सवाल का जवाब सियासत कितने जाके देगी, क्योंकि सियासत आदे तरीके रोटियां सेक रही है, पर इस सब के विचाले जिहड़े
बच्चों को किताबा चाहिए, जोड़े मजदूरों लोड़वंदा राशन चाहिए, उस मामले में कल्ली सियासत क्यों हो रही है, उत्थे जाके क्यों नहीं गल की जा रही, जोड़े किताबा पालते हैं बच्चे विरोधी धिर भी यह सवाल चुकन लग पी। ब्रेक तो वापस आके ये सवाल भी होगा तो शराब बारे पंजाब की सियासत की इस तरीके अपना नजरिया रखेगी ज उस नज़री में कोई बदलाव होगा, यह भी सवाल होगा ब्रेक तो बाद। सवाल असं ये पूछ रहे हैं कि करोना लड़ते पंजाब शराब तो सियासत की हासिल करना चाहती है। बटुआ साहब तुहाडे यूथ दे लीडर कुछ दुध दे ठेके सर खोल के बैठे है, जे तुसीं सर किताबां दे ठेके भी खोल लो, राशन दे ठेके भी खोल लो, थोड़ी मदद कर दो ना जिथे सरकार नहीं पहुँचा पा रही चीज़ा तो चंगा लगेगा। जे दुध दा ठेका खोल के तुसीं सिर्फ एक प्रोटेस्ट जितना है तो सिर्फ एक सियासत करनी है सर, फिर सवाल तुहाडे ते भी उठणगे। बटुआ साहब देखो के पी साहब जिहड़े यूथ दे आगू साहिबान ने अजिहा कदम चुकिया एक संबोलिक विरोध किया है कि लोगों नूं अज दुध दी लोड़ है, जिस तरह तुसीं वी गल कीती किताबां दी लोड़ है बच्चों नूं। सब तो पहली गल है कि अज जिहड़ा साडा मैडिकल स्टाफ आ जिहड़ा मूहरे होके लड़ रहा है वह करोना पीड़ित जिन्हां दे संस्कार करन तों उन्हां दे घर दे भज गए, ते करोना पीड़ितां दा दे चैकअप करना, करोना पीड़ितां दे विच रहना जिस मैडिकल स्टाफ ने है उन्होंने संबंधित समान ही मुहैया नहीं करवाया जा रहा, पीपी किटा नहीं मिल रही, उन्होंने जिहड़े आ ग्लव्स जां जिहड़े आपां कह दईए होर जिहड़ा साजो समान है वह तो सरकार किसी तरह का मुहैया करवाउण च असमर्थ जां फेल नजर आ रही है। और सब तो वड्डी गल है कि अजे लड़ाई असी लड़नी शुरू की है तो पीपी किटा का घपला सामने आ गया अमृतसर दे विच, और घपला तुहाडे सामने ही है कि जिहड़ियां सब स्टैंडर्ड जिहड़ियां पीपी किटा जिहड़ियां ने वह गुरु नानक हस्पताल दे विच मुहैया करवाई गई, डॉक्टर ने लैण तो ना कर दी गई और सामने आ गया कि घपला किया गया है। तो जे सरकार अजे कौन आ तुरी तो घपला तो नजर आ जाए तो डॉक्टर साजो समान किसी तरह का नजर ना आए तो देखो वो तो फिर चिंता वाली गल है, चाहे मैं होवां चाहे कोई होर होवे हर कोई सरकार के उत्ते उंगल चुकूगा चुकूगा, असीं चुकनी नहीं चाहते, असीं सरकार नूं साथ देना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं। साडी सरकार है इस वेले कैप्टन साहब लीड कर रहे हैं, सारे पंजाब के कैप्टन ने, असीं चाहते हैं कि पंजाब सरकार जिहड़ी है महामारी के विरुद्ध कोई योजना बनावे, कोई प्रोग्राम बनावे। अज जिस तरह के प्रोग्राम बन रहे हैं, अज तुसीं देख लो कि जिहड़े विचारे क्वारंटीन च रखे ने उन्होंने किहड़े हालातों च रख्या होया है, जिन्हां जिन्हां करोना पीड़ित आ गया जिन्हां नूं आइसोलेट सेंटर च रख्या गया है उन्हां दा किस तरह का आ गया है। सवेरे मेरे किसी कांग्रेसी आगू किसी होर चैनल से बहस हो रही थी तो मैं उत्थे गल की दवा दी, मैं दवा तो तुम दे नहीं रहे दारू दे रहे जे, वो कहते दवा बनी कि जी दे तो फिर उन्होंने रखे कद नहीं उत्थे। देखो एक सब तो वड्डी गल कोई पीड़ित होवे कोई रोगी होवे उन्होंने यह महसूस होना चाहिए कि मेरा इलाज हो रहा है, तो जे तुम इलाज नहीं कर रहे वो नेड़े नहीं जा रहे शराब दे मुद्दियां ते मैं तो लगता तुसीं साडे अगे सवाल इहो जिहा रखता कि असीं उधर जाइए ना कुछ होर कोई बंदा होर सोचे ही ना सेहत सहूलतां वाले पासे। किंगरा साहब केपी मैं फिर कहना शराब दीआं दुकानां बंद करन दा कारण की सी, पहले इहदी डिटेल जाना पएगा। सरकार दीआं शराब दीआं दुकानां बंद करन दा कारण उही सी जिहड़े करियाने दीआं दुकानां बंद करन दा कारण सी, जिहड़ी नाई दीआं दुकानां बंद करन दा कारण सी, जिहड़ी दवाइयां दीआं दुकानां बंद करन दा कारण सी, उही कारण सी शराब दीआं दुकानां बंद करन दा। जे अज असीं करियाने दीआं दुकानां खोल सकदे हां, बाकी दुकानां खोल सकदे हां, ट्रैफिक खोल सकदे हां 7 तों लैके 3 बजे तक, ते फिर असीं शराब दीआं दुकानां भी खोल सकदे हां क्योंकि उही दुकानां ने जिहड़ियां बाकी दुकानां नॉर्मल हालात खुलदियां ने, इस करके ओह भीड़ वास्ते रोकियां गईआं सी। तुहानूं किंगरा साहब कुछ इहो जिहा नहीं लगदा कि इहदे नाल करोना वध फैलूगा कि जिवें कैप्टन साहब ने कहा कि बोतल बंद हुंदी है ते बोतल बंद हुंदी है ते बंद बोतल ही चली जाऊगी उहदे नाल कोई करोना फैलण दा डर नहीं हैगा। केपी मैं तुम्हें एक गल होर दसदा, यह महामारी जिहड़ी है यह अगे तो वधेगी होर, इन्हें वधना है और इस करके सरकारां दे कोले पैसे है नहीं गे, केंद्र ने पल्ला झाड़ दिता है, केंद्र ने किटां मंगाईआं सारियां जाली निकलियां वह माड़ियां निकलियां, केंद्र ने आप ही हुक्म जारी किया 4 दिन इस्तेमाल ना करो। बलटोआ साहब तुहाडी सरकार दे विच हिस्सेदार है बीबी हरसिमरत कौर बादल नूं लिखना चाहिए सी कि पंजाब जिहड़ियां किटां आईआं डुप्लीकेट आईआं, पिछली बार दस्या सीगा जे मैं गलती नहीं कर रहा तां तुहानूं तां पूरी जानकारी है शराब नाल मानसिक तनाव घटदा सर। देखो देखो मेरी गल सुनो, जदों तुसीं ये देख लैंदे हो एडमिनिस्ट्रेटिवली कि शराब जिहड़ी है लोग जिहड़ी आपदी घरे कढ रहे ने, समगल्ड जिहड़ियां गुड्स ने जा रहीयां ने, सरकार देखो देखो बहुत सारियां चीज़ां। सर मैं एक सिंपल सवाल कीता किंगरा साहब, तुसीं घुमा बहुत दिंदे हो सवाल नूं,
पीन नाल मानसिकता घटदा है सर साडियां सारियां एजेंसियां ते बहुत प्रेशर है इस वेले इस करके जिहड़ा है जिवें जिहो जिहा देखो दुकानां बंद करन दा कारण सी इकट्ठ ना होना सर शराब पीन नाल मानसिक तनाव घटदा है किंगरा साहब मेरा सवाल तुहाडे तक पहुंच रहा है नहीं जवाब देना कोई दिक्कत नहीं सवाल मेरा सुन रहे सर तुहानू नहीं नहीं बोलो सी सवाल की है सर शराब पीना मानसिक तनाव घटदा है देखो जी तां डिपेंड करदा जिहड़ा पींदा उहनू पुछो मैं हुण की कह सकदा मानसिक तनाव घटदा कि वधदा मैं तां पींदा नहीं सर बयान दे चुके साहब बहुत वधिया कमाउंदे हो तुसीं वेरी गुड चलो ठीक है मैं मेडिकल साइंस पूछी सर पॉलिटिकल साइंस नहीं पूछी कंगरा साहब मेडिकल साइंस पूछी सी मैं चलो ठीक है बटवा साहब मैं दोबारा पॉइंट तैयार है किंगरा साहब ठीक है सर बटवा साहब तुम जथे जहेदार साहब का हवाला दिता सीगा बटवा साहब जहेदार साहब बहुत सन्मानयोग ने उन्होंने एक बयान दिता कि नहीं खुलने चाहिए शराब के ठेके घरेलू हिंसा वधूगी उन्होंने बड़े कारण दसे बटवा साहब जहेदार साहब के बयान तो बाद ही सानू अगे तुरना पेगा कि सरकार आपके पद्धर से कुछ नहीं सोचनगिया देखो यही दुख की गल है कि ये कहते कि बाकी दुकाना खुल रही तो ठेके क्यों नहीं खुलन ठेके खुलने के उत्ते इतराज यही है कि शराब जी जे 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 लोग अज बचे हुए ने जिन्हों की पहुँच है नहीं जिन्हों मिल नहीं रही ज जे आम जी जनता जी आम करके घर हिंसा करने वाले लोग ने उन्होंने तक जो नहीं पहुँच रही तो उन्होंने तक पहुँचा के घर हिंसा वधाना किधर की सियाण वाली गल है दूसरी गल जी सब तो वड्डी गल है कि जी शराब है ज नशा आ ये सारे मनते हैं WHO भी कहती है किंगरा साहब वर्गे दानश्वर लोग भी कहते हैं कि इम्यूनिटी घटाती है रोगों नाल लड़न की जी समर्था है शक्ति है वह घटती है इस वे तो शक्ति पैदा करने की लोड़ है हरेक मनुख दे विच जे जी महामारी चल रही है उन्हां लड़न की समर्था आए शक्ति आए वह बलवान हो मजबूत हो शराब जी कहते हैं जी पता है प्रतख पता है कि यह इम्यूनिटी घटाती है ये शरीर को कमजोर करती है हुण जे जे सरकार ही उस पासे किराए तुरपे मड़ी वाले राह तुर पवे तो अहीं ते माड़ा मोटा इतराज ही कर सकते हैं हादा नारा ही मार सकते हैं ठीक है बटवा साहब वैसे धर्म के नाल इस सियासत नूं जोड़ना नहीं चाहिए गा बटवा साहब पर तुसी अक्सर इन्हां चीज़ों बारे जिक्र करते रहने हुण तुसी इम्यूनिटी का जिक्र किया मैं तो कहना तुसी लोग अपील करो जहेदार साहब नूं कि वह शराबबंदी बारे बोल देण कि शराबबंदी होनी चाहिए पंजाब दे विच इस नाल सहमत हो बटवा साहब तुसी तुहाडी पार्टी सहमत है सर देखो मैं बेनती करा जी जथेदार साहब जां श्री अकाल तख्त साहब तो बकायदा जिहड़े हुक्मनामे पास होए ने जां जिहड़ियां अपीलां होईयां ने सिख संगतां नूं जां समाज नूं उहदे विच पहलों ही अजिहा आ उह च शराब की मनाही की जाती है श्री अकाल तख्त साहब ते अमृत छकाया जांदा शराब की मनाही की जाती है उत्थे पंज प्यारिआं वल्लों जिहड़े हुक्म किए जाते हैं अमृत छकन वाले उत्थे शराब की मनाही की जाती है शराब मनाही है लगभग हरेक धर्म के मनाही है मेरे ख्याल कोई भी धर्म की इजाजत नहीं दिंदा इस करके उस वो कहना कि श्री अकाल तख्त साहब के जहेदार स्पैशल हुक्म कर पर क्योंकि जरा एक्साइज ड्यूटी है एक्साइज रेवन्यू है ये सरकार वास्ते बहुत ज्यादा कह लिए कि एक बन गया है कि साढ़े को जरा रेवन्यू आना चाहिए है पर रेवन्यू के नो जे सरकार फैसला कर लैन चाहे अज कांग्रेस की सरकार है अकाली सरकार जाति तौर पर मैं शराब के विरुद्ध है नशे के विरुद्ध है पैसा भावें घट आ जाए ਘਟਨਾ ਸਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਉਧਰ ਜਹਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕੋਈ ਜਹਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਹਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਹਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਬਲਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਲਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ धर्म की गल करते रहना सिद्धांत की गल करते रहना मर्यादा की गल करते रहना लोगों सुचेत करते रहना सरकार आगाह करते रहना
ਇਹ ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ ਬਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੜਵਾਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਠੇਕੇ ਖੜਵਾਏ ਆ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਹੁਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵਰਜੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 40 ਦੁਕਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ ਲਓ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਐ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੋਖਰਾ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਚਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਚਲ ਜਾਊ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ ਓਹੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਖੜਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੜਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ